भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मेन पेज पे। आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट पल पल की अपडेट इस चैनल पे दी जाती है। आप वीडियो सेक्शन या कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख के फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना। आज हम बात कर रहे हैं 9 तारीख को क्या है स्पेशल खबर। ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे न्यूज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का जो सबसे पहला खबर है कि लेखपाल भर्ती का जल्द होगा विज्ञापन, जारी होगा विज्ञापन आज के पेपर में है। कल जैसे आपको पता है कि कल का जो सिलेबस है वो आउट हो चुका है, तो उसके लिए आज का जो पेपर में आया कि विज्ञापन जल्द जारी होंगे, ये तो सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये सिलेबस के बारे में ही की गई है, लेकिन ये होगा कि वैकेंसी जल्द आने हैं, मे बी 15 तारीख से पहले वैकेंसी आ जाए और जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाए। और दूसरी बात, इसमें कितने किस परसेंटाइज के लोग बुलाए जाएंगे, तो जहाँ तक मेरे 99.99% अनुमान है कि जिसका 50 परसेंटाइल है, परसेंटाइल नंबर नहीं 50 परसेंटाइल है, वो भी लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे। होप करेंगे ये खबर आपको अच्छा लगा। दूसरा बात करते हैं टीटी के प्रवेश पत्र फिर से होंगे जारी। जैसे आपको पता होगा कि 28 नवंबर को टीटी का जो पेपर है वो था वो रद्द हो गया था पेपर लीक होने के कारण, लेकिन अब क्या हुआ है कि पहले खबर आई थी कि सेंटर वेंटर वही रहेंगे, नहीं चेंज होंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिर से होंगे प्रवेश जारी और क्या होगा नए सेंटर्स की तलाश भी की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर लीक के कारण यहाँ पे जो सारे खबर्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं। एक और बात कही है कि इस परीक्षा जो है ये दिसंबर में कराना संभव नहीं है, मे बी ये पेपर जनवरी में ही कंडक्ट हो पाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में दोबारा एक महीने के कराना किसी सूरत में संभव नहीं है। हालाँकि बेसिक शिक्षा मंत्री सरद ने दिवाया कराने की बात कही थी, लेकिन आयोजन के जुड़े लोगों को मानना है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही परीक्षा हो सकती है। पेपर जनवरी में ही होगा, दिसंबर में पेपर आपका नहीं हो सकता है। ये सारे खबर्स हो गए। दूसरा अगला खबर की तरफ चलते हैं। एक गलत प्रश्न जवाब में फंसे 410 प्रवक्ताओं की तैनाती, यानी एक क्वेश्चन गलत के चलते 410 लोगों की नौकरी फंस चुकी है। सहायक प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीटीपीटी भर्ती 2021 का जो मामला है, हिंदी प्रश्न में हिंदी पेपर में कुछ गड़बड़ी आई है, जो इसमें कहा गया कि एक प्रश्न जो गलत हो गया था उसमें यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पर एक ही सवाल के एक दिन बोलने पेड़ के लेखक पूछा था। चयन बोर्ड विषय ने प्रशिक्षित स्नातक उत्तरी कुंज में इस प्रश्न का सही जवाब राजेश जोशी, जबकि प्रवक्ता भर्ती की उत्तर कुंजी में सुमैत्री मोहन को सही माना था। प्रवक्ता भर्ती की अभ्यर्थी सीमा गुप्ता ने इस प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। सीमा को प्रवक्ता भर्ती हिंदी में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में 388.46 जो मिले हैं और इनका कट ऑफ जो है 390.54.9, यानी एक क्वेश्चन से ये छट रहे हैं सीमा के दौरान कि उनके प्रश्न का जवाब राजेश जोशी दिया था और चयन बोर्ड ने सही नहीं माना। यदि चयन बोर्ड राजेश जोशी का उत्तर मान लेता तो चयन हो जाता। 29 नवंबर को सुनवाई के दौरान अभियोक्ता कोर्ट ने बताया कि इस मामले की विशेष विषय से सलाह लेने का निर्णय लिया गया है। इस सलाह मिलने के बाद परिणाम संशोधित किया जा सकता है, यानी एक क्वेश्चन के ये टीईटी हमेशा सुर्खियों में रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड, तो होप करेंगे कॉम्पिटिशन लाइफ से रिलेटेड होप करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट में बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।